ओके तो गाइस आज हम कमेंट्री करेंगे मैं अपने और अवैध सनी के मैच पे। अवैध सनी के बारे में एक गलतफहमी है कि वो टेकन का प्लेयर है, लेकिन असल में वो किंग ऑफ फाइटर खेलता था। पता नहीं कौन सा पार्ट था, 2000 था 2001 था, मुझे नहीं पता। लेकिन अवैध सनी केएफ से आया और मैं आया हूँ असल में टेकन से। मैं पहले टेकन खेला करता था, फिर मैंने किंग ऑफ फाइटर स्टार्ट की और हमारी राइवलरी जल्दी आ रही है टेकन से। हम काफ़ी जगह मिले, उसने मुझे काफ़ी दफ़ा बाय किया, मैंने भी उससे काफ़ी दफ़ा बाय किया, तो हमारी एक पुरानी राइवलरी चलती आ रही है। तो ये वाला मैच बहुत मज़ेदार था क्योंकि टेकन में तो हम लड़ते ही हैं, अब अगले कोई और गेम में लड़े हैं हम, तो उस लिहाज से भी काफ़ी मज़ेदार है कि आज चलो एक टेकन की मेंटालिटी होती है बड़ी अलग सी। टेकन के अंदर फाइट, 3D गेम है, सारी की सारी चेंज है उसका। कूमा है, मैं काफ़ी करेक्टर खेलता हूँ और किंग ऑफ फाइटर नहीं है, हम दोनों ने सेम टाइम पर स्टार्ट किया है और उससे करेक्टर चॉइसेस कोई और है, मेरी करेक्टर चॉइसेस कोई और है इसके अंदर। वो अभी खेल रहा है राह, जो और घाटो, और मैं खेल रहा हूँ वनीसा, अथीना और लिस्बत। वो भी लिस्बत खेलता है लेकिन वो वनीसा और अथीना नहीं खेलता। तो बड़ा मज़ा आया गाइस ये मैच देखने का, और चलो हम स्टार्ट करते हैं, फिर मज़ीद बातें करते हैं इसके अंदर। पहले पर वनीसा वर्सेस जो, मुझे था कि शायद वो कोई और करेक्टर लेगा, लाइक ये मैचअप राज तंग करता है, आई गेस राज तंग करता है, लेकिन अगर वो जो ले लेता वो ज़्यादा अच्छा होता, या गाटो उसके पास है, उसने गाटो अपना एंकर पर रखा हुआ है, जबकि अगर गाटो फर्स्ट पर वनीसा के वर्सेस ले लेता तो उसके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते, लेकिन उसे मैचअप भी खेलना पड़ता पड़ना लाइक आप मैचअप खेलोगे तो जीतोगे। ओके नाइस, अब प्रेशर में आ गया मैं काफ़ी ज़्यादा, मेरा ऊपर से हेल्थ कार्ड कम हो ही जा रही है, आप ज़्यादा देख रहे होंगे, तो बस ये पड़ गया शुक्र है, नहीं तो मैंने मर जाता। नाइस, इसने गलती कर दी। नाइस, अब मर गया। मनीषा क्या गया, आपको बहुत सब्र से खेलना पड़ता है यार, बहुत सब्र से, अब उसे जीतने के चांसेस नहीं है। ना ना ना, वनीसा वाल में फंसा ले भाई, तो वनीसा का राउंड है। और अगर आपके पास अपर कट वाला कैरेक्टर नहीं है तो वनीसा तो चिड़ी होती है, वनीसा नहीं रुक रही होती है, रोल करोगे तब पनीष, शायद दीवार में फंसा तब पनीषा मारती है। तो आपके पास अपर कट वाला कैरेक्टर होना चाहिए वनीसा के आगे फर्स्ट पर, वो जो है गाटो। गाटो अगर खेलता है, गाटो तो वैसे भी वनीसा को एक दफा वाल में फंसा तो बड़ी मुश्किल से अपर कट निकाल दिया। वैसे नहीं कि ये चीज़ है, उससे मैं वैसे भी खेला था, वो बहुत ज़्यादा अपरकट निकालता है, तो मुझे था अंदाज़ा कि अगर मैंने की उल्टी सी चीज़ें की, जैसे अगर अभी मैं पीछे थोड़ा लेके आता हूँ, इतना भी पीछे नहीं, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर, ओके ये यहाँ पर मुझे था कि अगर मैं सेव जंप दूंगा अपरकट निकला होगा, वही चीज़ हुई। मैं पहले खेला था एक दो दफ़ा, तो उसने ये चीज़ कर रहा था मेरे साथ, मैं हल सेव जंप ले रहा था, नहीं ले रहा था, कुछ भी कर रहा था, तो एक अपर कट आया होता था एडवांस में, तो वो वाली चीज़ मेरे अंदर थी पहले ही, अब नहीं मारेगा क्योंकि ऐसा बहुत बुरी बनी चाहिए है। नाइस, मिसिंग करती दोबारा भाई। ओके उसने दो, उसने चार बार जाया कर दिए यार, चार बार जाया किए वनीसा को मारने के लिए, उसका 0 मीटर है उसके पास, कोई मीटर है ही नहीं, और वनीसा को मारना बहुत ज़रूरी है पहले पे। अब अतीना तो तंग करती करती है, आई थिंक ये मैचअप जिस तरह जुहेब खेलता है ना, जुहेब हसन, उस लिहाज से अच्छा है, लेकिन ये मेरे ख्याल से अतीना के हक में ही है ये मैचअप। देखो अब मैं तो तुम्हें मारूंगा प्रकट, और तुम्हारे कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं कि तुम प्रकट काट सको। नाइस, मैं समझा बटन शटन दबाया, लेकिन नाइस, अच्छा पेशेंस जब। ओह मुझे करा देना चाहिए था, कुछ था ही नहीं, लेकिन वो टेंशन में है क्योंकि ऐसा मीटर नहीं है। बहुत अच्छे, नाइस प्रेशर कंट्रोल किया है इसने। चलो अब मारेंगे अपर, चलो जैसे भी मारो। ओके गाटो वर्सेस अतीना, अतीना का राउंड है फर्स्ट पर भी वैसे भी, लेकिन गाटो क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, गाटो भी जीत सकता है राउंड, लेकिन अगर फर्स्ट पर देखा है तो मैं प्रेफर करता हूँ अतीना खेलना गाटो के वर्सेस, क्योंकि अतीना का अपर कट है, गाटो को भी टेंशन रहती है वॉल के अंदर, जब वो प्रेशर ले रहा होता है या मिक्सअप बना रहा था कि अपर कट आ सकता है तो वो भी रुका होता है कहीं, वनीसा क्या होगा तो वो चढ़ा ही होता है बस। ओके ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मेरा दिमाग ख़राब है, टूर्नामेंट के अंदर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ये वाला, ये देख बहुत बड़ा मैं गधा हूँ, यहाँ पे जब उसने मुझे पनिश किया,
यहाँ मैं इजीली से अपरकट मारता था। मैंने कहा नहीं यार अपरकट क्यों मारना है, डाउन सी मार के देखते हैं, डाउन सी सेफ होगा। मतलब मैं ऑन द स्पॉट सोच रहा, मैंने कोई लैब शैब नहीं किया होता, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए नेक्स्ट टाइम के लिए। जो चीज़ मैंने लैब की है मुझे वो ही मारनी चाहिए, ना कि इस तरह की अजीबों के चक्करों में आके मुझे राउंड मारना चाहिए। ये कोम्बो मुझे पढ़ना नहीं था, बस मैं चीज़ें चेक करने की कोशिश में था कि मैं डाउन सी मार के देता हूँ, शायद पढ़ डाउन सी, लेकिन नहीं। ये पोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है काटो की। नाइस पेशेंस यार, खा ही लिया फिर। खा रेडी? हाँ बनती है। नाइस। अपरकट बहुत अच्छा पेशेंस यार, मुझे लगा कि कुछ मारेगा, वो मार नहीं रहा, अमेजिंग। अपरकट दो अरसलान भाई। हाँ नाइस पेशेंस है। नहीं मैं तो अब नोट कर रहा हूँ कि उसने उस जगह पे लोग यहाँ पे सबर खो देते हैं। पढ़ा है यहाँ पर, देखो पढ़ा है, दो ये तो पढ़ रहा है। ये मैं पहले नहीं पढ़ा, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ बाद में पढ़ा, दो दफ़ा पढ़ा उस सुबह। चलो इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो गया है कि गाटो के जंप पर आप नीचे करा सकते हो डाउन सी हमेशा। नाइस। हाँ ये ना ठीक है, ओके 1 2 3। तो गाटो की जंप पर आप हमेशा डाउन सी करवा सकते हो अतीना का। अपरकट तो कंफर्म है, अपरकट के सिवा कोई चीज़ है ही तोड़ने के लिए। तो ये चीज़ बहुत बेहतर किया उन्होंने KR14 से लेके KR15 के अंदर, कि किंग ऑफ KR14 में आप अतीना ले लो, आप एंडी ले लो, आप कोई ऐसा करेक्टर जिसको अपरकट स्ट्रॉन्ग है शुरू के पैचेज में, तो कोई फायरबॉल वाला कैरेक्टर ले लो मोस्टली, तो अपरकट पढ़ना ही नहीं है। वहाँ पे डबल टच होता था, उसने कोई ऑर्डर चेंज नहीं किया, कुछ नहीं किया। हाँ पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, जबकि मैचअप अगर राल्फ मर जाता है तो उसके पास जीतने के चांसेस बहुत कम है। और सेकेंड मैंने एंटी एंटी ग्राउंड रखा हुआ है तीना वर्सेस जो, उसको ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये राउंड क्यों खेल रहा है वो। यहाँ पे मर जाना था अगर मैं थोड़ी लेट पंच दुआ था, तो वो निकल गया दीवार में, जो फंसा लेगा दीवार में वो जीत जाएगा। हाँ हाँ नाइस। मैं मिक्सअप दूंगा कि सीढ़ी मारूंगा, सीढ़ी मार के यार यहाँ पे मुझे पता था कि यार मैं सेव जंप लिया है, और मेरे जेब में ये था कि अगर मैं सेव जंप लूंगा ना तो वो कुछ नहीं करेगा, वो देखेगा हाँ सेव जंप आई है, मैं कुछ ना करूँ। लेकिन उसने उल्टा गोला करा दिया वहाँ पे दोबारा, जो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यार यहाँ पे उल्टा गोला करा देगा, मतलब ये एंटी एयर इसका ये वाला मूव। लेकिन चलो अच्छा, मतलब सर्वाइव करने के लिए कुछ तो करना था उसने अपना, वहीं से डाउन भी मारती है। हाँ नाइस। कुछ करेक्टर इसके मुंह पे बड़ी अच्छी पनिश करते हैं, वनीसा भी चलो डाउन डी तो मारती है, लिजबा तो कुछ करती नहीं है, अतीना डाउन सी मारती है। ओके ओ वाह, ये न्यू था, ये लोग यूज़ नहीं करते ज़्यादा। नाइस 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 फिनिश यार, पीपल डोंट यूज दैट मोबाइल लॉट। अदीना वर्सेस रॉल्फ यार, अगेन जितने साइको बोल मारोगे इतना फ़ायदा है। मैं ख़त्म किया, ख़त्म करो मैंने उसको, इसको मारना बहुत ज़रूरी है गाइस। आपका रॉल्फ मर जाए, वनीसा भी मर जाए, वनीसा मर जाए रॉल्फ, चलो बच जाए वनीसा, मर जाए इसके अंदर, इस गेम के अंदर। ओके अतीना वर्सेस ये अगेन, गोला करो मैं वापस भेजूँ। रात अच्छा जो तंग कसता है, लेकिन अगर जो आपके पास हो यार क्या करूँ मैं। ये मेरे एक्सपेरिमेंट जो मैं कर रहा हूँ ना ऑन द रन टाइम पर, ये सही नहीं है, बहुत अच्छा कह रहा नहीं है, नहीं अपना फायरबॉल नहीं इस्तेमाल कर रहा जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। दूर से क्यों करा रहे हो भाई मुझे सीढ़ी, हाली दी अपरकट, ये कंफर्म नहीं पड़ा, ये सेव जम थी, मैंने गलती की है। हाँ डाउन थी आगे बहुत ज्यादा अरसलान। वापिस लेकिन मैं बनी सुनूंगा नहीं, ये भी वापिस किया नहीं, फिर अपर कट अरसलान, अपर कट देना, अब हमेशा अपर कट देना, हाथों को मैंने अपने मारना सोटियों से।
वापिस भेजो। ले किस्मत हरी हो तो ये उसने क्या किया है? चलो मैंने जो भी किया है सही है, उसने क्या किया है? टूर्नामेंट क्रैश है। ये क्या कॉम्बो था? एक कॉम्बो मुझे नहीं पता, एक कॉम्बो है कि नहीं पता, नहीं किया। अपरकट बहुत बेकार अपरकट था ये, दुनिया का सबसे ज़्यादा। मुझे थोड़ा रनिंग करके मारना चाहिए था, मैंने अपनी जगह पे खड़े होकर अपरकट करा दिया। गार्ड ओवर से जाती ना, गार्ड ओवर से जिस वक्त बहुत कम खेलने को मिलता है मुझे। हाँ अब मैं सही अपरकट करा रहा हूँ, फिर कराओ अपरकट, कराते जाओ, नहीं करेगा। ओ हो, अथीना को इजी ना लेना, यहाँ से अथीना बहुत डैमेज लेके जा सकती है। अगर अथीना को आप इजी ले लोगे तो बिल्कुल भी इजी नहीं ले सकते आप अथीना को, मैं सही कह रहा हूँ। एक गलत जंप पे मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा डैमेज दे सकता हूँ। ये मज़ेदार भाई, नहीं गटो आओ मेरे पास। अपर अगेन डैमेज यार, मजा आ जाना था यार। जब पहले मैंने जाया कर दी थी, मुझे जाया करनी चाहिए थी बिल्कुल। ओके मैं तो देख के बहुत मजा आ गया यार। अब गाटो के पास क्या है? वाह मेरे से मैं सेफ जंप ले रहा था ये वाली। हाँ जी गाटो भाई, क्या करेंगे आप? इतनी मिसिंग, इसके साथ डीएम थी, बैठी थी, मैं बहुत ज़्यादा डैमेज आता था मेरा, उसने मिसिंग कर दी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उसने मतलब बनाई थी लेकिन मिस कर दी। ओहो ठीक, ओके। तो ये था गाइस हमारा मैच, मेरा वैसा नहीं का टूर्नामेंट का मैच था। ओके तो टूर्नामेंट के अंदर जो मेरे ओपोनेंट्स थे वो था, पहला मेरा ओपोनेंट था वैसे नहीं, दूसरा मेरा ओपोनेंट था जुहेब टॉक्स, तीसरा मेरा ओपोनेंट था वैसनी जुहेब टॉक्स, फिर था जुल्कनैन हमीद सेकंड, हाँ जुल्कनैन था, और फिर समी, और फिर ग्रैंड फाइनल में फिर समी। तो मैंने 3 4 5 मैच खेले थे, और तो अब अगला मैच मैं अपलोड करूंगा समी के साथ जो होगा ग्रैंड फाइनल टूर्नामेंट का। इसके बाद मैं कुछ कमेंटेड करूंगा मैचेस टेकन के, जो कि हीरा वर्सेस हमाद ब्राइन ने खेला है, वो बड़ा अच्छा कमबैक किया है उसने हमाद ने, तो वाला मैं करूंगा बिल्कुल, तो मज़ा आएगा आप लोगों को देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए यही था, उम्मीद है आपने इन्जॉय किया होगा, तो बस यही था। अब